फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि 15% ऑल इंडिया कोटा में इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है या कितनी रैंक तक हमें सीटें मिल सकती हैं। तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एमसीसी काउंसलिंग में जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट हो, ESIC IP वार्ड हो, FMC हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, जितने भी पॉसिबल इंस्टीट्यूट है जो पार्ट होते हैं आपकी काउंसलिंग का, उन सब का मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि मतलब कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की शिकायत होती है कि सर आपके वीडियो लेंदी होते हैं। लेंदी इसलिए होते हैं क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल्ड में आपको बताते हुए चलता हूँ। ऐसा नहीं है अदर चैनल्स की तरह कि 1 मिनट में आपको सारा डाल दिया कि 610, 615, 570 SC का जाएगा, इसका इतना जाएगा, लो हो गया। आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली में रियलिस्टिक सिनेरियो हो क्या सकता है। तो वीडियो लेंथी होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ध्यान से लास्ट तक देखिए कि एग्ज़ाम नहीं है आपका कि सर बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में वैसे मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, और वीडियोज़ बनाता था तो लेंथी नहीं होते थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट चैनल जो आपको एक एक चीज़, एक एक डाउट क्लियर करेगा, नहीं मिलेगा यूट्यूब में, ये मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों, एमसीसी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की। 15% सीटों की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट सीटें हर स्टेट से आती हैं उनमें इस बार क्या हो सकता है कट ऑफ रैंक, ऑल इंडिया रैंक। उससे पहले मैं एक बात और क्लियर करने जा रहा हूं, 27% OBC और 10% EWS रिजर्वेशन का अभी कुछ पता नहीं है कि 15% AIQ में लगेगा या नहीं लगेगा। हालांकि MCC में नोटिस आ चुका है कि ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन PG के लिए इस पे केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 16th को हेयरिंग है। ऑब्वियस सी बात है, EWS और OBC सेम ही है और सेम पैमाने पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे कोई ना केस वहाँ पे चला ही जाएगा ड्यूरिंग काउंसलिंग। देखिए, अगर वो सिनारियो नहीं रहता है, पहले मैं वो सिनारियो नहीं रहता है, मीन सपोज करिए कि 27% OBC और EWS नहीं रहता है, तब क्या होगा, और अगर ये लग जाता है तब क्या होगा, दोनों के बारे में बताऊंगा क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। पहले हम बात करते हैं नहीं लगता है तो, इस बार सीटें बहुत सारी बढ़ रही हैं, चाहे वो एम्स के इंस्टीट्यूट अपनी सीटों को अपग्रेड कर रहे हैं या फिर 15% ऑल इंडिया कोटा में यूपी और बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें ऐड हो रही हैं और वो डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा में सीटें आएंगी, तो सीटें इस बार अच्छी खासी बढ़ रही हैं। उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, कितनी बढ़ती हैं, कितनी आती हैं, ये भी मैटर करेगा, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जनरल के कैंडिडेट्स को इस बार 17,500 टू 18,000, 17,500 से लेकर 18,000 रैंक तक सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट्स को। SC कैंडिडेट्स का लगभग 95,000 से लेके 1 लाख ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कोटा रैंक तक सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से ST कैंडिडेट्स की बात करें तो ST कैंडिडेट्स को लगभग 1,10,000 से 1,15,000 तक सीटें मिल सकते हैं ऑल इंडिया रैंक तक। यहां पर 27% OBC और 10% EWS नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा था ये रिजर्वेशन नहीं था। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या होगा, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है OBC के कैंडिडेट्स की जो ऑल इंडिया रैंक है वो कंपेयर टू जनरल कम हो जाएगी, इसी तरह से EWS की जो रैंक है वो कंपेयर टू जनरल कम हो जाएगी और जनरल की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जनरल की जो रैंक हो सकती है कट ऑफ रैंक, वो 15,000 के करीब हो सकती है। OBC की जो कट ऑफ रैंक हो सकती है वो ये मान के चलिए कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो 17,000 तक हो सकती है,
70,000 या 18,000 के करीब अप्रोच कर सकती है। इसी तरह से अगर मैं EWS की बात करूँ तो इसका भी लगभग OBC 18,000 या 19,000 के करीब अप्रोच कर सकती है। ये इतना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी SC ST में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी चेंजेस होंगे वो जनरल रैंक में होंगे, OBC में होंगे, EWS में होंगे। OBC में 27% रिजर्वेशन रहेगा, तो इसका 27% सीटें शेयर करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो कट ऑफ होगा वो EWS से भी नीचे जा सकता है। हालांकि पहले क्या होता था कि जनरल का कट ऑफ होता था, फिर EWS का सबसे कम होता था, OBC से भी कम EWS का होता था, लेकिन 27% सीटें अगर OBC के लिए आ जाएंगी तो OBC का कट ऑफ EWS से भी कम हो जाएगा। ये मोटा मोटा आइडिया है, अभी इसका अनुमान है क्या होता है, कैसे होता है, कितने कॉलेजेस की 27% सीटें आती हैं, नहीं आती हैं, 10% EWS की सीटें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं टू बी फ्रेंकली सेइंग जो नहीं है वो नहीं है। अब एक बार सीट मैट्रिक्स आएगी तभी इसका आइडिया आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मोटा मोटा है कि इस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, ये केवल अनुमान है। ये तो रहा 15% ऑल इंडिया कोटा में क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्स में। एम्स में इससे वैकेंसी राउंड तक, मींस फाइनल राउंड तक आपको कितनी स्कोर तक सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार आपने देखा होगा फाइनल राउंड तक आते आते ये समझ लीजिए कि 607 608 पे भी सीटें कैंडिडेट्स को मिल गई हैं। 607 स्कोर 608 पे ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से भी कम कट ऑफ पे आपको सीटें मिल गई थी। तो इस बार जो मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है वो लगभग 17,000 के करीब ऑल इंडिया रैंक, या 17,000 से 18,000, क्योंकि एम्स अगर सीटों को अपग्रेड करेगा तो एम्स में सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, और जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक लगभग आपको सीटें मिल सकती हैं। जनरल में इसी तरह से EWS की भी 18,000 या फिर उससे बिलो जा सकता है। OBC का भी लगभग 18,000 से 19,000 के करीब स्टे वैकेंसी राउंड, लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो जिसको लकी राउंड कहते हैं, तब तक आपको सीटें मिल सकती हैं। आप में से वो कैंडिडेट जो इसका वेट करते हैं वो लगभग इतने स्कोर पे सीटों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इससे भी कम जाता है, वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, वो आप फॉलो करें तभी आपको इस तरह किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाता है। इसी तरह से SC के कैंडिडेट्स का 90,000 या उससे बेलो जा सकता है, और ST कैंडिडेट्स का 120,000 के करीब इतना नीचे जा सकता है आपका स्टे वैकेंसी राउंड तक। तो दोस्तों ये तो रही बात आपकी ऑल इंडिया कोटा और एम्स की स्टे वैकेंसी राउंड तक। वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं ESIC IPO वार्ड भी बताऊंगा, DMD भी बताऊंगा और FMC बताऊंगा। तो नंबर थर्ड हम बात करते हैं FMC। FMC में देखिए दोस्तों सीटें बॉयज़ की काफ़ी होती हैं, गर्ल्स की बहुत कम होती हैं। तो टोटल 150 सीटें होती हैं जिसमें गर्ल्स की 25 के करीब सीटें होती हैं। गर्ल्स का कट ऑफ बॉयज़ से काफ़ी ज़्यादा जाता है क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं। तो गर्ल्स का कट ऑफ 635 से 640 के करीब जा सकता है। बॉयज़ का जो कट ऑफ है वो 610 से 615 के करीब में रह सकता है, इतना लगभग जा सकता है। हालांकि आप अगर FMC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो स्क्रीनिंग राउंड होते हैं उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। मेरली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए और आपका सिलेक्शन FMC में हो गया। आपका एम्स न्यू दिल्ली में सिलेक्शन आसान है कि आपने 705 या 710 मार्क्स ले आए या जितने भी ले आए उससे आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्क्स तो लाओगे ही लाओगे, उसके बाद फिर 3 से 4 राउंड जो आपके FMC में स्क्रीनिंग राउंड होते हैं वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, तो फाइनल लिस्ट जो बनेगी उसमें अगर आप आते हैं तो आप FMC के लिए एलिजिबल होंगे। मीन्स वहाँ पे आपकी मेरिट निकाली जाएगी, मेरिट में अगर आप आ जाएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो FMC में आसान नहीं होता है। लास्ट ईयर FMC में मेरे चैनल से केवल एक बंदा गया था, हालांकि अप्लाई बहुत सारों ने किया था लेकिन केवल एक था जो फाइनल क्वालिफाई हुआ था। उसको पहले GSBM कानपुर में हुआ था, फिर उसके बाद वो FMC पुणे में गया, GSBM कानपुर से FMC पुणे में। तो दोस्तों ये FMC पुणे की बात हो गई। यहाँ पे अगर आपने गोल बना रखा है कि भाई FMC जाना है तो
आपको फिर वो राउंड भी क्लियर करने पड़ेंगे जो स्क्रीन राउंड होते हैं, इन कैंपस राउंड होते हैं, उसके लिए आपको पुणे जाना पड़ेगा FMC कैंपस। इसके बाद बात कर लेते हैं ESICs IP वार्ड, जिनके पास IP वार्ड का सर्टिफिकेट है, IP वार्ड सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है कैंडिडेट्स को। अभी जब मैं आपको रैंक बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। और ESIC सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं ये, और इनकी फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। ESIC IP वार्ड एक सर्टिफिकेट होता है, वो सबके पास नहीं होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के पास होता है, तो पेरेंट्स का कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। ESIC IP वार्ड में जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो लगभग 60,000 रैंक, रिपीट 60,000 रैंक, 60K रैंक। EWS का भी लगभग 60,000 या 65,000 के करीब। OBC का 70,000 रैंक, 70K। SC का 3 लाख रैंक, 3 लाख रैंक, 3 लाख रैंक SC का। और ST का लगभग पासिंग स्कोर 8 लाख के करीब रैंक। आप बिलीव नहीं कर सकते कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट IP वार्ड्स के कैंडिडेट्स को कितने कम स्कोर पे मिलता है। कहाँ आपका कट ऑफ 610, 615, 620 होता है, यहाँ पे आप देखिए तो 510, 515 पे सीटें मिल जाती हैं। SC ST के कैंडिडेट्स को, ST के कैंडिडेट्स को 118 मार्क्स पे सीटें मिल जा रही हैं। तो ये देखने की बात है कि यहाँ पे IP वार्ड्स का सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, आपको बहुत कम स्कोर पे सीटें मिल जाएंगी। इसके बाद बचा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली अगर आप पास हुए हैं, केवल केवल पास हुए हैं और चाहते हैं कि MBBS ही करना है, और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मीन्स पैसे आप पे कर सकते हैं, 1-1.5 करोड़ रुपये आप खर्चा कर सकते हैं, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पासिंग स्कोर से लेके फिर डिपेंड अपॉन कि कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आप लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्कोर उस पर बढ़ता रहता है। तो पासिंग स्कोर पे भी आपको सीटें मिल जाएंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, 540, 550, 560 पे भी मिल जाएंगी, 570 पे भी मिल जाएंगी। KMC मणिपाल जैसी टॉप इंस्टीट्यूट आपको 560, 570 पे मिलेंगी। इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आप लेना चाहते हो। तो ये 108 से लेके 570 तक जाता है कट ऑफ इसका, कि मतलब अगर आप पास भी हुए हैं तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, MBBS आप कर सकते हो। इसी तरह से NRI कैंडिडेट्स का भी यही सेम सिनेरियो है, बिल्कुल थोड़े से स्कोर में सीटें मिल जाती हैं। इवन इवन KMC मणिपाल भी उनको बहुत आसानी से मिल जाता है जस्ट पासिंग स्कोर पे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से कट ऑफ आपके रह सकते हैं। आई होप, क्योंकि इस बार सीटों का अपग्रेडेशन होगा, सीटें अपग्रेड होंगी ऑल इंडिया कोटा में। किस तरह से काउंसलिंग होती है, क्या OBC का रिजर्वेशन इस बार आता है, EWS का रिजर्वेशन आता है, जो केस चल आता है, तो फिर कुछ इस तरह से सिनेरियो बन सकता है। एक बार अब सीटों को देखना पड़ेगा, सीट मैट्रिक्स कैसी होती है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि क्या हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में। आप ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से मीन्स हाई मेरिट स्टेट से, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 17-18 हज़ार ऑल इंडिया रैंक में सीटें मिल सकती हैं इस बार। तो अप्लाई ज़रूर करिएगा ऑल इंडिया कोटा में। आपको अगर डाउट हो रहा है कि मेरे स्टेट में शायद मुझे सीटें ना मिले, मेरे स्टेट में शायद मेरिट हाई हो, जैसे दिल्ली है उसका मेरिट तो हाई है, राजस्थान का भी मेरिट हाई रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राजस्थान के कैंडिडेट्स चूज़ कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का, उसके बाद जो सीटें रिवर्ट होके जाती हैं मॉपअप में फाइनल राउंड में, तो वहाँ पे कट ऑफ कम हो जाता है। ये भी होता है, या रिस्की राउंड होता है कि रिस्क अगर आपने ले लिया तो कभी कभी स्टेट की सीटें आपसे छूट जाती हैं और ऑल इंडिया कोटा में आपको सीटें किसी अदर स्टेट या साउथ इंडिया की सीटें मिल जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बन सकता है दोस्तों। और MCG की काउंसलिंग में जाइएगा तो थोड़ा सावधानी से जाइएगा, दैट्स ऑल।